तुर्की ने फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास और लेबनान में हिजबुल्ला आतंकवादियों को निशाना बनाकर किए गए हालिया हमलों पर इसराइल की कड़ी निंदा की है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी गाजा और लेबनान में इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहता है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को 1950 में पारित एक प्रस्ताव के तहत बल प्रयोग की सिफारिश करनी चाहिए। नाटो सदस्य तुर्की ने इसराइल के साथ सभी व्यापार रोक दिए हैं और इंटरनेशनल कोर्ट में इसराइल के खिलाफ नरसंहार मामले में शामिल होने के लिए आवेदन किया है जिसे इसराइल ने खारिज कर दिया है। अंकारा में कैबिनेट बैठक के बाद एर्दोगन ने कहा कि यदि सुरक्षा परिषद आवश्यक इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाती है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को बल के उपयोग की सिफारिश करने के अधिकार को तेजी से लागू करना चाहिए, जैसा कि उसने 1950 में शांति के लिए एकजुट होने के प्रस्ताव के साथ किया था। प्रस्ताव में कहा गया कि अगर सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी वीटो अधिकार शक्तियां यानी ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के बीच असहमति का मतलब है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में विफल रहते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा हस्तक्षेप कर सकती है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था है जो आमतौर पर बल प्रयोग को अधिकृत करने और प्रतिबंध लगाने जैसे कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय ले सकती है। एर्दोगन ने यह भी कहा कि मुस्लिम देशों को इसराइल के खिलाफ अधिक सक्रिय रुख अपनाने में विफल होते देखकर उन्हें दुख हुआ। उन्होंने उनसे युद्ध विराम को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने के लिए इसराइल के खिलाफ आर्थिक, राजनयिक और राजनीतिक उपाय करने का आग्रह किया। एर्दोगन ने कहा कि हमारे क्षेत्र में मुस्लिम से यहूदी और ईसाई तक सभी की शांति के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मुस्लिम देशों से एकजुट होने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो इसराइल के हमले मुस्लिम देशों को भी निशाना बनाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 Digital।